आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM। मैं हूं आपके साथ आनंद, और आज हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है शक्ति स्वरूपा, और ये दुर्गा पूजा के अवसर पर खास कार्यक्रम हमने आपके लिए लाया है रांची। आज हमारे साथ एक ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने झारखंड को एक ऊंचाई तक ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप हैं दीपिका पांडे सिंह, जो कि महागामा से कांग्रेस की विधायक हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आप राष्ट्रीय सचिव हैं और वर्तमान में उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं। और रांची में बताओ कि अभी हम टेलीफोन लाइन पर उनसे जब बात कर रहे हैं तो वह उत्तराखंड में अपने काम को एक स्वरूप दे रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी मैम, आप जिस प्रकार से काम कर रही हैं और आपकी बातें, आपकी खबरें भी हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी सी हमारी जानकारी आप बढ़ा दें तो बड़ी अच्छी बात होगी मैम। आनंद जी, आप रांची से ही हैं और जी मुझे भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि मेरा जन्म भी रांची में हुआ और मेरी पूरी पढ़ाई मैंने केरली स्कूल से 10th पास किया, गुरु नानक से प्लस टू किया, फिर सेंट जेवियर से मेरी बीएससी की पढ़ाई हुई और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज से हुआ। मैंने लॉ की डिग्री जमशेदपुर में अपने लॉ की पढ़ाई कॉर्पोरेट कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। मतलब हम कह सकते हैं कि झारखंड में ही कई अलग अलग जगहों पर, और बड़ा एकदम आपके जो विषय भी हैं कि आपने एक्साइज से पीजी किया, फिर लॉ में आपने किया और जमशेदपुर से भी आपने पढ़ाई की, कहीं न कहीं मुझे लगता है इसका आपको एक फायदा हुआ होगा कि आप विभिन्न क्षेत्रों के शैक्षणिक गतिविधियों को आप काफी करीब से समझी होंगी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग तरह के माहौल में पढ़ाई हुई, मिशन के मिशन का जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में उसको भी समझने का मौका मिला जी। यूनिवर्सिटी जो कोल्हान यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाई हुई तो लोकल क्या माहौल है वो भी समझने का मौका मिला जी। सीबीएसई स्कूल का एक्सपोजर था तो पूरा करिकुलम समझने का और जो एक माहौल अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माहौल कैसे बदल जाते हैं ये भी समझने का मौका मिला। और साथ ही साथ मैं इस बात के लिए अपनी माता जी को धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हम तीन बहनों को ये अच्छी पढ़ाई जो बेस्ट पॉसिबल था उन लोगों के लिए वो करवाने का काम किया। और आज जब मैं राजनीति में हूँ तो भी मैं महसूस करती हूँ कि किसी भी विषय को जानने समझने में मुझे आसानी होती है, अपनी बातों को रखने में आसानी होती है जी। बिल्कुल, आपने रिसर्च में आसानी होती है क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड है हमारा जी। बिल्कुल आपने सही कहा मैम कि ये पूरे जो क्रम है अध्ययन अध्यापन के, यह आपके इस विधायक के रूप में आपको सर्व करने बहुत ही मदद करता होगा। मुझे पता चला कि आप मीडिया के क्षेत्र में भी कुछ काम किए हैं, जरा उसके बारे में भी थोड़ी सी। मैं 5 साल मेरा जुड़ाव द टेलीग्राफ अखबार के साथ रहा, जमशेदपुर में थी मैं। बाद में मैं एक्टिव राजनीति आने के जस्ट पहले मुझे झारखंड की थोड़ी जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन फिर राहुल जी का जो युवाओं को राजनीति में लाने की प्रक्रिया या उन्होंने जो पूरा प्रोसेस शुरू किया ट्रांसफॉर्मेशन का, उन्होंने कांग्रेस के दरवाजे यूथ कांग्रेस के माध्यम से युवाओं के लिए खोल दिए और अलग अलग फील्ड से लोग राजनीति में राहुल जी के आह्वान पर आए। मैं भी यूथ कांग्रेस के राज्य स्तर के चुनाव में सम्मिलित हुई और महिला महासचिव के पद पर इलेक्ट होकर के आई। फिर मुझे आगे संगठन में तो कई मौके मिले जी। और आज मैं आप लोगों के बीच में विधायक के तौर पर हूँ और मुझे खुशी है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए आज उत्तराखंड में सह प्रभारी के तौर पर काम कर रही हूँ और संगठन ने मुझे बहुत दिया है और मैं अब यह प्रयास करती हूँ कि अपने संगठन को भी थोड़ा सा मजबूत करने में अपना योगदान कर सकूं। जी आपने बहुत ही अच्छा कहा है। और रांची में बताना चाहूंगा कि अभी हमारे साथ हैं महागामा विधायक इंडियन नेशनल कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह जी। मैम, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में तो कई ऐसे इंटरेस्टिंग विषयों को हमने पढ़ा, जैसे कि ललमटिया माइंस दुर्घटना, और आपने जबरदस्त आंदोलन चलाया था उन गरीबों के लिए कि उनको कंपनसेशन मिले और मिला भी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमसे शेयर करें। यूथ कांग्रेस में काम करने के बाद मैं गोड्डा को अपना क्षेत्र आइडेंटिफाई करके मैंने अपने काम की वहाँ शुरुआत की और जिला अध्यक्ष के तौर पे मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी। उसी बीच ललमटिया माइंस राजमहल प्रोजेक्ट जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ओपन माइंस है, वहाँ एक बहुत विभत्स घटना घटी और उसमें
हमारे हिसाब से पूरा जो प्रबंधन है और पूरा महकमा जो है वो दोषी था इस तरह के हादसे में। जो गिनती हुई हो 23 लोगों की मौत उस दुर्घटना में हुई थी, मेरे हिसाब से वो संख्या और भी अधिक होगी, क्योंकि वहाँ कई सारे लोग अनऑथराइज तरीके से भी आते जाते हैं जिनकी कोई मॉनिटरिंग या कोई उस पर रोक नहीं है। तो जो लोग लापता हो गए होंगे उनकी जानकारी ऑफिशियली तो संख्या में नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल संख्या थी वो 23 लोगों के मरने की थी जी। रात के अंधेरे में यह घटना घटी और मुझे लगता है कि अगर किसी घटना के बारे में आजीवन याद रहेगा तो मुझे लगता है वो एक घटना थी। रात के 2 बजे हम लोगों ने यह प्रयास किया कि वहां के जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, दूसरी पार्टी के थे, लेकिन उन लोगों से बात करके किस तरह से तुरंत राहत पहुंचे, फिर एनडीआरएफ को लाना जरूरी था, इस बात को उन लोगों को कन्वे किया गया और उन लोगों के लिए मैंने आमरण अनशन किया जो 7वें दिन जाकर के खत्म हुआ। और प्रबंधन उसके पहले हम लोग धरना प्रदर्शन और जो और लोकतांत्रिक तरीके हैं उससे यह प्रयास कर रहे थे कि उन लोगों को न्याय मिले, लेकिन वह नहीं हुआ तो मुझे आमरण अनशन पे बैठना पड़ा और 7वें दिन प्रबंधन और जिला प्रशासन इस बात के लिए बाध्य हुआ कि जो हमारी मांगे थी उनको पूरी की जाएं। आज भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जांच चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट के माध्यम से आगे इस तरह के हादसे ना हो और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले यह सुनिश्चित होगा। जी, आपने जैसा कहा भी कि ये ललमटिया माइंस दुर्घटना आपके लिए एक यादगार है, आप इसको कभी भूल नहीं सकती हैं। तो 2017 का वो मूवमेंट जब महिलाओं के लिए आप खड़ी हो गई कि शराब बंदी किया जाए, क्योंकि शराब का सबसे बुरा प्रभाव जो है वो महिलाओं पर ही देखा जा रहा था, इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। आनंद जी, मैं तो पली बड़ी रांची में जी, और ग्रामीण परिवेश में जब हम लोग कभी अपने गाँव जाते थे तभी मौका मिलता था, लेकिन हमारी शादी कोटा जिला में हुई और महगामा क्षेत्र में। वहाँ पूरे इलाके में जब जिलाध्यक्ष के तौर पर मैंने एक पदयात्रा का कार्यक्रम चलाया हुआ था, उसमें महिलाओं से खास करके जब मिलने से यह महसूस होता था कि शराब की वजह से कई घर बर्बाद हैं जी। और कोई भी मतलब अगर मतलब राजस्व की बात करते हैं लोग, मेरे हिसाब से राजस्व का बहाना किसी के घर परिवार को बर्बाद करने के लिए इनफ रीजन नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति इतना कमाता है कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके, वह भी व्यक्ति शराब नशे में अपना पैसा बर्बाद करता है, और जो उनके परिवारों को खास करके महिलाओं को या उनके बच्चों को जो माहौल देखना झेलना पड़ता है वो बहुत अनएक्सेप्टेबल मुझे लगता है। इसलिए मैंने उस समय एक मुहिम चलाई थी, क्योंकि सरकारी शराब दुकान खोले जा रहे थे, वहां काम करने वाले लोगों को 25,000 वेतन दिया जा रहा है, और आपने देखा होगा कि कई सारे अनुबंधित कर्मियों को बहुत कम पैसे में काम चलाना पड़ रहा था जी। तो उसके विरोध में मैंने किया था और घर घर जाकर के अपने क्षेत्र की महिलाओं से मैंने चूड़ियां इकट्ठा की थी और राज्य के मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोगों ने प्रदर्शन करके इस बात की मांग की थी कि राज्य में शराबबंदी हो। मैं आज भी उस बात के लिए कमिटेड हूँ और प्रयासरत हूँ कि हमारे भी सरकार में, अभी तो हम लोग हैं सरकार में जी, हमारे सरकार में भी अगर अन्य राज्यों में हो सकता है तो यह शराबबंदी का मुहिम महिलाओं के लिए खास करके जरूरी है कि उनकी सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके परिवार में शांति की बात हो या आर्थिक स्थिरता की बात हो, उसके लिए शराबबंदी राज्य में लागू होना चाहिए। जी, आपने बहुत ही अच्छा विचार रखा है दीपिका मैम, और निश्चित रूप से नशा मुक्त समाज हो यह तो हम सबका एक सपना है कि ऐसा कर सके हम सब। आपके इस मुहिम में रेडियो खांची हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। मैम कुछ बातें कोरोना से संबंधित, कोरोना का काल तो बहुत ही विकराल रहा, खासतौर पर आप लोग जैसे ही शासन में आए कोरोना भी आ गया पीछे पीछे, तो कैसे इस कोरोना काल में आपने, मुझे लगता है जी कि हम लोगों को जिम्मेदारी या इस राज्य में यह सरकार इसी वजह से भी आई, और मतलब मैं सोचती हूँ दूसरे राज्यों से जब तुलना करती हूँ कि भाजपा शासित राज्यों में क्या हालत हुई लोगों की, मैं यहाँ उत्तराखंड में हूँ, और जिस तरीके से मजदूरों को पैदल चल के आना पड़ा, खाने की परेशानी थी, उन्हें जो बेसिक इलाज चाहिए थे उसकी व्यवस्था नहीं थी, तो पूरा अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में था। लेकिन हम लोगों के राज्य में जो महागठबंधन की सरकार है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हम लोगों के मंत्रियों के नेतृत्व में, ने बहुत डैमेज कंट्रोल का काम किया,
और झारखंड आप जानते हैं वो पहला राज्य बना जहाँ जो मजदूरों को लाने के लिए उन्होंने फ्री स्पेशल ट्रेन चलवाई, जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से भी लोगों को लाया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी हालत में झारखंड का कोई भी हमारा एक भाई और बहन पैदल चल के राज्य में ना आए, राज्य में आए तो सुरक्षित रहे, उसे पूरे इंतजाम, उसके खाने पीने और उनके उसके इलाज की समुचित व्यवस्था हो। झारखंड राज्य से जो लोग गुजर भी रहे थे, अन्य राज्यों के भी लोग थे, तो उन लोगों को भी गाड़ियां बॉर्डर टू बॉर्डर मुहैया कराया गया या फिर उनके खाने पीने का इंतजाम, थाना तक में खाना लोगों को खिलाया जा रहा था। दूसरा लहर भी आप देखें कि बहुत विभत्स रूप से पूरे देश में फैला, लेकिन झारखंड में हम लोगों ने 10 से 12 दिन, क्योंकि प्रोटोकॉल नहीं पता था अचानक किस रूप में आया और ऑक्सीजन किस तरह की परेशानी होगी, कई सारी चीजें जो एंटिसिपेटेड नहीं थी, सबसे पहले हम लोगों ने झारखंड में कंट्रोल किया। 10 से 12 दिन जरूर परेशानी हुई, हम लोगों ने भी रात कई रातें जग कर बिताई और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था किसी तरह से राज्य में करें, फिर धीरे धीरे सब कुछ नियंत्रण में भी आया। आप देख रहे होंगे जब वैक्सीनेशन के लिए 18 से 45 के लिए केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब भी झारखंड राज्य में यह घोषणा की गई थी कि 18 टू 45 इयर्स एज ग्रुप के भी लोगों का वैक्सीनेशन हम लोग फ्री कराएंगे। फिर भगवान ने सद्बुद्धि दी तो केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले को बदला और आज सभी का वैक्सीनेशन हो रहा है। हम लोग भी अपने पर्सनल स्तर पे लग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराने के, अब हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में रोजगार जी का मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं इस कोरोना की लड़ाई में पीछे रह गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जब गाड़ी पटरी पर आ रही है तो आप देख रहे हो कि राज्य सरकार लगातार एक के बाद एक निर्णय ऐसे ले रही है जिससे आगे हम अपने युवाओं को रोजगार के अवसर दें, सरकारी नौकरियां दें, यह धीरे धीरे सुनिश्चित हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक आपदा देखने के बावजूद राज्य में पॉजिटिव चलने का काम किया और एक एक करके ऐसे निर्णय हुए। किसानों के कर्ज माफी की बात हो, वो कोरोना के काल में हुआ, 15 लाख नए लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से जोड़ा गया, वो भी कोविड के समय हुआ, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की बात हो, आईसीयू की फैसिलिटीज बढ़ाने की बात हो, थर्ड फेज की आहट बच्चों को प्रभावित कर सकती है उसके लिए पीडियाट्रिक आईसीयू का भी निर्माण हर जिले में किया गया। तो इस तरह के काम तमाम हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जनता जो जिस उम्मीद से हम लोगों को जिता करके लाई थी, बिजली राशन पानी और तमाम बेसिक चीजों पर हम लोग काम करते हैं। अपने क्षेत्र में मैंने ये सुनिश्चित किया कि गर्मी के सरकारी फंड से नहीं हो पा रहा था, मैं CSR के माध्यम से करीब 500 हैंडपंप्स रिपेयर कराए, जो मुझे लगता है सालों से बनाया नहीं गया था और घर के बगल में वो स्ट्रक्चर होने के बावजूद महिलाओं को पानी ढोने का काम दूर से करना पड़ रहा था। तो ऐसे छोटे प्रयास हम लोग इस कोविड काल में भी करते रहे कि लोगों की जिंदगी आसान हो। ट्रांसफार्मर्स लगाने का मेरे अपने इलाके में मुझे लगता है मैंने 350 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स नए लगवाए हैं, बदलवाए हैं, ताकि बिजली का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार हो। कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं जो स्टेट लेवल पर निर्धारित होते हैं, जी जी, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा, भरोसा है आगे ऐसा होगा। बिल्कुल, शुभकामनाएं भी है मैम। और आप झारखंड की जो बेटियां हैं उनके लिए एक प्रेरणा है, आपके लिए प्रेरणा कौन है? ये मैं तो राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, जो हमारी राजनीतिक लीडर्स हैं वो लोग तो हैं, गांधी जी हैं, इंदिरा जी हैं, राजीव जी से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। परिवार में आप अगर कहेंगे तो हमारी माँ है, चाहे हमारी बेटियां हैं, मेरी मदर इन लॉ है, ये लोग से मुझे शक्ति मिलती है राजनीति में महिलाओं के लिए कुछ करने का। और मैं इसको मानती हूँ पूरी तरह से कि आज अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ अगर मेरे इस काम में खड़े नहीं होते तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। जी, आपने तो चाहे अपने परिवार में दो बच्चियों की माँ होने का निर्णय हो या फिर राजनीति में सक्रिय तौर पर और आज तमाम पूरे देश में घूम करके काम करने की बात हो, तो परिवार का साथ समर्थन मुझे प्रेरणा भी देता है और इस बात की ताकत भी देता है कि मैं काम को अपने अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। और अब हम लोग अपने बातों के अंतिम चरण में हैं। रेडियो खांची रांची विश्वविद्यालय का अपना एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और विद्यार्थी हमारे सबसे बड़े श्रोता है। आज आप शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम में इन विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप जमीन आसमान का फर्क अपने जीवन में दूसरों के जीवन में ला सकते हैं और इससे बेहतर माध्यम कुछ नहीं विद्यार्थियों के लिए। आप लोग अच्छी पढ़ाई करें, नशे से बचें और यह प्रयास करें
कि पूरी लगन के साथ जहां भी आप जो भी फील्ड आप चुने उसमें उस फील्ड में आप वहां लीडर बने। आप अगर एक डॉक्टर बनते हैं और उसके साथ आप अगर एक अच्छे लीडर हैं तो आप अपने उस मेडिकल लाइन में बहुत लोगों के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। उसी प्रकार से हर फील्ड में यह संभव है। उसके साथ ही क्योंकि आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्हें पूरे इंटरनेट के माध्यम से काफी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है। मैं एक प्रयास कर रही हूँ कि जो झारखंड में चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जो परेशानी है जी, जिसमें हम लोग का जो डेटा है वो भी बहुत राज्य के लिए एम्बेरसिंग है, जो शर्मिंदगी लाता है, और खास करके गोड्डा में चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा है और लोग को इस बात का अवेयरनेस नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। लोग अडल्ट को प्यूबर्टी से जोड़ करके ये सोचते हैं कि हम अगर प्यूबर्टी एज पहुंच गए बच्चे की शादी हो सकती है। आज बच्चे समझदार हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने माता पिता को कन्विंस करें कि आपको पढ़ने का मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें, और फिर आगे जब एज हो उसके अनुसार किसी तरह की पारिवारिक जिम्मेदारी में आप लोगों को बांधे। जी, आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है दीपिका मैम। तो जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि आज हमारे शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे लिए उन्होंने बहुत सारी प्रेरणादायक बातें कही हैं और उन्होंने जो अपना कीमती समय हमें दिया है। दीपिका मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो खांची की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, मुझे और... बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इसके लिए आइडेंटिफाई किया और इतनी दूर तक हमारी आवाज को पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।